बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन. व्हाट क्वेश्चन सेज व्हेन अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू अ कंप्लीट सर्कल रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स विल बी. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि एक वायर है जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है ए एंड इसका लेंथ है हमारा एल और इसका रेजिस्टेंस है हमारा आर. इसको हमने एक कंप्लीट सर्कल में बेंड कर दिया. सो हमसे बोला जा रहा है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे. सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी है. सो इन दोनों के बीच में जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हमारा क्या होगा. अगर हम देखें तो जो ये हमारा सर्कल है सो जो हमारे ये दो पॉइंट्स है ए एंड बी इसके अक्रॉस हमारा क्या है सिमेट्रिकल है. सिमेट्रिकल है मतलब इसमें जो हमारा लेंथ है वो हमारा हाफ हाफ डिवाइड हो गया. सो टोटल हमारा जो लेंथ एल था उसका हमारा रेजिस्टेंस क्या था आर. सो इसमें हमारा लेंथ क्या हो गया हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो जाएगा इसका आर बाई टू हो जाएगा और इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा आर बाई टू. तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमारा ए बी के अक्रॉस जो हमारा रेजिस्टेंस है वो हमारा पैरेलली आ रहा है कितना आर बाय टू एंड आर बाय टू. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी हमारा क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 विच इज इक्वल्स टू 1/R/2 प्लस 1/R/2. सो ये हो जाएगा हमारा 2/R प्लस 2/R. इसमें 2 हमारा ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा. सो ये इसमें R 2 प्लस 2 4 हो जाएगा. सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस जो हमारा ए बी है वो कितना आ जाएगा हमारा R बाय 4 के बराबर. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. सो इसमें देखें तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर. थैंक यू.